दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में सूटकेस में मिला शव। सूटकेस में शव मिलने की खबर से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नहीं हो सकी पहचान। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए हैं वार। बारी जिले के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह पुलिस को सड़क किनारे वाई ब्लॉक माजरा के पास सिविल डिफेंस के जोनल ऑफिस के बाहर सूटकेस में शव मिलने की सूचना मिली। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो महरूम रंग का बैग एक सूटकेस सड़क किनारे पड़ा हुआ था जिसमें से एक मानव पैर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया और सूचना के बाद पहुंची क्राइम टीम ने सूटकेस से फिंगरप्रिंट्स और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए और जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक युवक का शव मिला जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किए हुए थे। और मौके पर पहुंचे जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने जायजा लेने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि देखने से मृतक की उम्र करीबन 20 से 30 साल के बीच लग रही है जिसकी गर्दन पर काफी गहरे घाव हैं और शव खून से लथपथ हालत में मिला है और शव के हाथ पैर बंधे हुए हैं। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है और जाँच की जा रही है। ये सुबह की कॉल है। एक हमें कॉल आती है कि एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुँचते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अभी ये डेड बॉडी है एक बैग में, गला थोड़ा काटा हुआ है और इसमें अभी हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है, इसकी पहचान ढूंढ रहे हैं पहले, उसके बाद पता करेंगे कि क्या माजरा है, किसने इसको मारा है पूरा। मेल बॉडी है या फीमेल है? ये मेल बॉडी है। उम्र अब लगभग 18 से 30 साल तक लगती है और इसको अभी शिनाख्त में पहले हमारा काम है इसकी आइडेंटिफाई करना, वो कर लेंगे उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। नहीं, बॉडी को काटा नहीं, बॉडी का गले में चाकू लगा हुआ है, उससे इसकी डेथ लग रही है। बाकी पोस्टमार्टम में डिटेल आ जाएगी क्या क्या इसमें और इंजरीज हैं क्या है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। सूटकेस में शव मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और भीड़ का ताड़ा लग गया जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। चसमदीत सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने बताया कि जब वह सुबह ऑफिस आए तो उन्होंने देखा कि मौके पर काफी पुलिस मौजूद है और एक सूटकेस में से किसी व्यक्ति का पैर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है और हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के मकसद से किसी ने यहां पर फेंक दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार। और संदीप, क्या देखा आपने, क्या हुआ था, बताया क्या पूरी घटना? मैं अपने घर पे सो रहा था, तकरीबन 7 बजे करीब फोन आया कि भाई ऑफिस का ताला खोलना है, तो मैंने पूछा किस लिए खोलना है, कि बाहर मर्डर हो गया। यहाँ पे आके देखा तो सूटकेस के अंदर कोई डेड बॉडी है, वो पड़ी हुई थी ऑफिस के बाहर जाल के पास में, तो इन्होंने कहा गेट खोल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, सिर्फ इतना ही किया। उसके बाद तो किस चीज़ का ऑफिस है ये सिविल डिफेंस का है, यहाँ से कोविड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलोअप करते हैं, जैसे कंटोनमेंट जोन से वहाँ पे वॉलंटियर्स को भेजते हैं। कौन सी जगह है ये? मंगोलपुरी है, जे ब्लॉक के सामने। क्या पता लग पाए किसकी बॉडी है, कुछ पता लग पाए अभी तक? नहीं, अभी तो ये आगे पुलिस बताएगी, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज संजय गांधी अस्पताल की मोर्ची में सुरक्षित रखवा दिया है और आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। साथ ही शव की शिनाख्त करना पुलिस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी और अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।